हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसके अंदर गर्भवती महिला को हर एक दिन अपना ध्यान रखने की जरूरत होती है ताकि वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके, हेल्दी रह सके और 9 महीने पूरे होने के बाद एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दे सके। इसीलिए शायद कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में गर्भवती महिला को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा भारी चीजों को उठाना नहीं चाहिए, ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए या फिर कोई ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो कि पेट के अंदर जाकर गर्मी ज्यादा पैदा करे, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो मिसकैरेज के कारण ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि मिसकैरेज हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों, वैसे तो मिसकैरेज के केवल दो ही लक्षण हैं जिसे आप अच्छे तरीके से अगर ऑब्जर्व करें तो आपको पता चल जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द होना आम बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दर्द जो कि आपको पीरियड्स के टाइम पर सताता है, अगर उसी प्रकार का दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो गया हो, क्योंकि अमूमन प्रेगनेंसी के टाइम पर कमर में दर्द होना तब शुरू होता है जब आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से वजन बढ़ता है, पेट पर और पैरों पर दबाव बढ़ता है जिसकी वजह से बैक पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर दूसरे तीसरे महीने में ही आपको बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा हो, बिल्कुल पीरियड्स के दर्द जैसा, तो आप समझ सकते हैं और डॉक्टर से चेक कराकर इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि मिसकैरेज हुआ है या फिर नहीं। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, जो कि हर माँ बन चुकी औरत अच्छे तरीके से जानती है। 9 महीने के दौरान आपको कोई भी पीरियड्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी नहीं होती है। जब एक बार बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद आपका पीरियड्स कम से कम 15 से 20 दिनों तक चलता है, क्योंकि वो पूरे 9 महीने नहीं हुआ होता है, इसीलिए उसे बाद में रिलीफ होने में काफी समय लग जाता है। हालांकि अगर आपका मिसकैरेज हो गया है तो दूसरे से तीसरे महीने में ही प्रेगनेंसी के दौरान आपको निरंतर बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग की शिकायत रहेगी। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह ब्लीडिंग आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग जैसी सामान्य नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा तेज होगी और बहुत ही भारी मात्रा में भी हो सकती है। इसीलिए अगर इन दोनों लक्षणों में से कोई एक आपको नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए और इस बात को कंफर्म करिए कि आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर नहीं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।